and it was a film called The Thought of You with Gulshan Devaiya, myself, and Monica Dobra on jealousy and how all-consuming it can be. And it was a wonderful experience. I never felt like we were doing anything, I felt like this was just something that we got together as friends and made. The director, Ahmed Roy, is someone who's done the making of for Margaret of the Straw. So we all knew each other. And that's how this film got made. But, you know, seeing it win with Barrel Select, I think it was at MAMI a few years back, it really gives someone like Ahmed the chance to now, I think he's working on a script with the BBC, he lives in Birmingham, you know, to go ahead with the kind of creative work that he wants. So I think it is a fantastic opportunity for many people. बहुत ही ब्राइट नहीं सच में, क्योंकि जैसे देखिए मतलब मेरा कहने का मतलब है कि वो एक ऐसा फॉर्मेट है जो बहुत ज्यादा पैसे नहीं मांगता जैसे हमने कहा, और उसके अंदर बहुत पॉसिबिलिटी ये होती है कि नए नए लोग उसमें कुछ अच्छा अच्छा काम करें, और जैसे बहुत सारे नए लोग आपको देखने को भी मिलते हैं जब आप इतने साल से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो अचानक से किसी शॉर्ट फिल्म में कोई टैलेंट निकल के आता है, तो या इवन हम बाहर भी जाते हैं, मतलब मैं कैन में गया था तो वहां पे इंदौर से एक शॉर्ट फिल्म लेके डायरेक्टली आ गया था, मतलब उसने ये बंबई का रास्ता चुना ही नहीं था, तो उस तरह से लोगों को टैलेंट को मोर डेमोक्रेटिक करने का और लोगों तक पहुंचने का ये बहुत अच्छा तरीका है। बड़ी फिल्म आपको शायद मिले ना मिले, लेकिन एक शॉर्ट फिल्म के जरिए लोग अपने आप को दिखा सकते हैं, अपनी शोरील की तरह उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, किया भी है कई लोगों ने, और मुझे लगता है कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स अगर होंगे तो इसका फ्यूचर ब्राइट है, वरना मुश्किल है। तो इससे क्या फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग भी बन सकते? तो बहुत मुश्किल जैसा कि शॉर्ट फिल्में किसी ना किसी प्रोडक्ट पे रिलेटेड रहती हैं, उससे किसी भी प्रोडक्ट से शॉर्ट्स पे ऐसा जरूरी नहीं है, वो कुछ एडवर्टीजमेंट होती है जो प्रोडक्ट से रिलेटेड होती है, लेकिन शॉर्ट फिल्में इंडिपेंडेंट तरीके की भी होती है, कुछ लोग करते हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड भी करते हैं, लेकिन ज्यादातर मतलब हर तरह की होती है। आप लोग जैसे रॉयल स्टैग के साथ जुड़े हुए हैं, तो रॉयल स्टैग के साथ आप लोगों का क्या फ्यूचर देखते हैं और कैसा आपका एक्सपीरियंस हो गया? हम रॉयल स्टैग के शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल शॉर्ट फिल्म प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए हैं, और हम यहाँ आए भी इसीलिए हुए हैं क्योंकि हमको लगता है कि वो जो काम कर रहे हैं वो शॉर्ट फिल्म के लिए, छोटी फिल्मों के लिए, उस फॉर्मेट के लिए बहुत जरूरी काम है, तो इसलिए हम यहाँ पे हैं। लेकिन कुछ फिल्में ऐसी बन रही है जो आपका टाइम और मनी दोनों ही वेस्ट करती हैं, उसको कैसे देखते हैं और उसके लिए क्या मैसेज है? जैसे कि आप YouTube में देखिए, आपको बहुत ज्यादा कबाड़ मिलेगा और टाइम वेस्ट होता है, लेकिन उसके टाइटल्स ऐसे होते हैं जिससे लगेगा कि नहीं आप देखिए, जैसे कि का नाम देना, आप जैसे नाम नहीं देते ऐसे मैं भी नहीं दे सकती अभी मैं आपसे पूछूं तो आप ही नाम नहीं दोगे ना। जो चीजें मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती उनको करोड़ों व्यूज मिले हुए आज की तरह। आप लोग जिस प्लेटफॉर्म पे हैं और आप जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ से आपको अपना नहीं देखना होता, बहुत सारे लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होता। बिल्कुल बिल्कुल, और उसमें भी ये होता है कि कुछ फिल्में लोगों को अच्छी लगती है, कुछ फिल्में लोगों को बुरी लगती है, लेकिन कोशिश ये रहती है कि अच्छी से अच्छी फिल्म लोगों तक पहुंचे। बिल्कुल आप सही कह रही है कि कुछ बहुत ये होता है, पर लेकिन वो भी एक सब्जेक्टिव चीज है, कौन सी चीज किसको अच्छी लगती है किसको नहीं लगती। आज के पास हम सबके पास कैमरा है, हम सबके पास एक फोन है, तो आप अपनी कहानी बता सकते हैं। अब वो आपकी तरह कि आप क्या आप रोटी भी बना सकते हैं, घर भी बना सकते हैं।